दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की सूचना है। बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला 1 सप्ताह में होगा। बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के शिक्षक बनेंगे या नहीं, 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3,90,000 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष योग्यता वालों को योग्य बताया था। तो जैसे कि कहा गया था कि पहले डीएलएड के छात्रों का परिणाम जारी होगा और उसके बाद में फिर राज्य सरकार और एनसीटीई के परामर्श के द्वारा बाद में बीएड के छात्रों को अनुमति दी जाएगी अगर योग्य होंगे तो। लेकिन इसमें बहुत देर नहीं लगेगी क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन वो काफी एक्टिव है इस भर्ती को लेकर के और जल्द से जल्द इस भर्ती को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने और भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जैसे रिजल्ट के पहले डीवी क्यों हो रहा है, यहां पर उन्होंने इसका जवाब दिया कि रिजल्ट जारी करने के बाद सर्टिफिकेट जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीट खाली रहने की आशंका रहती है। सीट खाली रहने से आपका क्या आशय, अभ्यर्थी परीक्षा में तो पास कर गया लेकिन उसके बाद आवश्यक सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो उसका चयन नहीं होगा, ऐसी सीट खाली रह जाए। अगली जो सूचना है वो बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटीई के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वे प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास है। वे 69,000 के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% अधिक अंक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में वो शामिल थे, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटाव बढ़ने से उनका चयन नहीं हो सका। अब चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है, क्योंकि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तब क्वालिटी एजुकेशन की वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ाया गया था और ये भर्ती 60-65 कट ऑफ पर हुई थी। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब कि सुपर टीईटी में अधिक नंबर वाले व्यक्ति उपलब्ध थे और वो व्यक्ति कौन थे, वो ज्यादातर बीएड के छात्र थे, इसलिए कट ऑफ बढ़ा, ये शिक्षा मित्रों का तर्क है। लिखा है कि टीईटी पास है 45,000 शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रस्त होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने पढ़ाई करके टीईटी पास कर ली है, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा लागू होने के कारण तकरीबन 45,000 से अधिक टीईटी पास शिक्षा मित्र आज तक सहायक अध्यापक नहीं बन सके। बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले को लेकर के घमासान लगातार जारी है और मैं आपको बता चुका हूं कि बीएड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 क्लेरिफिकेशन याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं। वो याचिकाएं इसीलिए हैं कि जो पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उन भर्तियों का क्या होगा, जिनमें से 69,000 शिक्षक भर्ती भी है, बिहार की भी एक पुरानी शिक्षक भर्ती है, मध्य प्रदेश की भी है, बहुत सारे राज्यों में 28 जून 2018 के गजट जो एनसीटी ने जारी किया था उसके आधार पर भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत सारे राज्यों में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या बिहार में आप देख ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो। तो इन जो चल रही शिक्षक भर्तियां हैं इनका क्या होगा, जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उनका क्या होगा, और जो क्लेरिफिकेशन याचिका दाखिल हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर देना चाहिए साफ साफ। हालांकि पिछले ऑर्डर में ही ये सोचना चाहिए था, हालांकि डिमांड नहीं की गई होगी, मांग नहीं की गई होगी, तो नहीं तो इस तरीके की याचिकाएं जैसे आप देख रहे हैं ना, शिक्षा मित्रों ने जो याचिका ये दाखिल की है, इस तरीके की याचिकाएं अन्य राज्यों में भी पढ़नी शुरू हो गई हैं। फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हैं पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरू करते हैं बीएड की सूचना है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 2023 का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग की भी नई तारीख जारी कर दी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने काउंसलिंग 15 सितंबर से कराने का निर्णय लिया है। बीएड की काउंसलिंग के कार्यक्रम पहले 10 जुलाई से निर्धारित किया गया था, लेकिन लखनऊ, मेरठ व आगरा विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के कारण यह लगभग 2 माह बाद शुरू होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून 2023 को घोषित किया था। काउंसलिंग के लिए शासन से प्रस्तावित 10 जुलाई की तारीख में लखनऊ, मेरठ, आगरा विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम बाधक बन गए और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने 2 माह बाद काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित कर दिया। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की ही है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर घेरा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 1 अंक से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच फिर बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया तो पुलिस ने दोबारा इको गार्डन पहुंचा दिया।
अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए सवाल को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक माह से नियुक्ति की आस में 32 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने जल्द ही सकारात्मक निर्णय होने की बात कही है। शिक्षा विभाग में इतनी गड़बड़ियां हैं और इस शिक्षक भर्ती में खासतौर से 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी अधिकारी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। एक तो आपका जो मूल सूची को बदलने की जो बात कही गई है, 6800 आरक्षण का घोटाला जिन विद्यार्थियों ने लगाया था, जो मामला हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा था कि नई सूची बनाई जाए, कट ऑफ को बदला जाए और OBC के छात्रों को जो कट ऑफ में पास किया गया उन विद्यार्थियों को आरक्षण ना दिया जाए, यानी जो सुपर TET की परीक्षा हुई थी तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें OBC छात्रों को SC की तरह ही सुपर TET में भी 5% की छूट दी गई थी, यानी कि 90 नंबर में वो विद्यार्थी भी पास किए गए थे। हालांकि 68,500 शिक्षक भर्ती में छूट नहीं दी गई थी और 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC विद्यार्थियों को भी सुपर TET में छूट दी गई थी, और ये भी कारण था कि बहुत ज़्यादा जो OBC के छात्र हैं लगभग 90,000 से ज़्यादा पास हुए थे, 85,000 के आसपास। हालांकि विद्यार्थी गए थे 6800 आरक्षण के मामले को लेकर के और आरोप ये लगाया था कि सरकार ने तो 6800 सीटें दे दी थी, लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना था कि 20,000 पद चाहिए OBC को और इसमें लगभग 19,000 पदों का घोटाला हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट ने चौंकाते हुए ये कहा कि OBC के छात्रों को आरक्षण ज़्यादा मिल गया है, जब एक बार आरक्षण मिल चुका है सुपर TET में तो फाइनल मेरिट में कैसे इनको आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद में पूरी सूची पलटने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक सरकार ने सूची को पलटा नहीं, नई सूची जारी नहीं की और आरक्षण का मामला तो लटक ही गया है। और उधर एक नंबर वाला जो ये विवाद है, ये विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। अंतिम सूचना UP SSC की है। UP SSC ने कल दो नोटिस जारी की थी, एक तो मुख्य सेविका को लेकर के थी एडमिट कार्ड और फीस के लिए, और जो दूसरी नोटिस थी वो मंडी परिषद की थी। ये आप लोग देख सकते हैं, लिखा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत आवश्यक सूचना संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षण है तो चिन्हित अभ्यर्थियों के परिणाम 2 दिसंबर 2021 में सम्मिलित 44 अभ्यर्थियों के प्रकरण को अग्रिम आदेशों तक जांच के अधीन रखते हुए संबंध में आयोग द्वारा निर्णय से पृथक से सूचित किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। इसके बाद कुछ 44 संदिग्ध छात्र थे, उनके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। तो इन विद्यार्थियों को अपनी अपील के लिए बुलाया गया है। लिखा, माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में 44 अभ्यर्थियों की सुनवाई हेतु 15 सितंबर एवं 16 सितंबर को प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत गठित जांच समिति के समक्ष आयोग कार्यालय में प्रस्तुत होने हेतु आयोग का पत्र 1 सितंबर 2023 को प्रेषित किया जा चुका है। सुनवाई 15 सितंबर 2023 को होगी और उन विद्यार्थियों के यहाँ पर उन अनुक्रमांक दिए हुए हैं। जिन विद्यार्थियों की सुनवाई 16 को होनी उनके भी रोल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी और ये भर्ती भी कम्प्लीट होगी। लेखपाल भर्ती में भी काफ़ी सख्ती बरती जाएगी और हो सकता है कि लेखपाल भर्ती में भी इस तरीके की नोटिस आपको देखने को मिले। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।